सो गाइस अभी मैं झाड़ा लगवाने जा रही हूँ क्योंकि झाड़े से मुझे झाड़े से ही आराम होता है, पता नहीं क्यों। तो आज मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी वहाँ पे, इसलिए मैंने वहाँ का कोई कुछ शूट नहीं किया। फिर आने के बाद मैंने वहाँ से पूजा करी एंड दो ही झाड़े लगे हैं। बस ये है कि खाने तो लग गई हूँ, मैं पहले खाती नहीं थी बिल्कुल भी, ये आराम हुआ मुझे। और फीवर का तो बस ऐसा ही है, पता नहीं, और फीवर भी सुबह शाम का ही है, मतलब आई डोंट नो, ये जो चल रहा है ना वायरल आजकल, ये वही हो रहा है मुझे बस। सो गाइस ये है मेरा सुबह का खाना, आलू की रोटियां एंड चाय। के देखा सो गाइस वो खाना खाते वो लोग देखा कुछ नहीं। एक एप्पल है और ये हाफ कीवी फ्रूट है। और तबीयत में पहले से आराम है, आज कुछ खाया मैंने। सो गाइस अभी मैं इसकी वीडियो बनाने आई हूँ और कंडीशन में दिखा नहीं सकती। कंडीशन कुछ ऐसी, उधर जनता भरी पड़ी है। सो गाइस अब हम यहाँ आए हैं, दूसरी लोकेशन चेंज करिए, 2-3 किलोमीटर दूर आए हैं क्योंकि वो वहाँ पे बनाने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी, फोटो के लिए आ रहे थे, बार बार ऐसे ही खड़े थे वहीं पे झुंड बना के बहुत सारे, 150 थे बिल्कुल ही। अब दे यहाँ शांति से बन जाए फटाफट बस। अब यहाँ भी लोग घुस घुस के देख रहे हैं, भगवान। और रुक के देखा आदमी, बता क्या आफत आएगी। यही दिक्कत है यार, लोकेशन मिल जाए फिर लोग घूर घूर के देखें, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस में बहुत ज्यादा। बात यह नहीं है कि लोग आ जाए, बात यह है कि वो आने के बाद डिस्टर्ब करें। आओ कोई दिक्कत नहीं, आराम तक खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने के बाद तंग करें ना बहुत ज्यादा, वहाँ प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ये चुम्मा दे दिया हमको, एक चुम्मा उधार दे दो। आज तो बनाई बनानी है फनी फनी वीडियो, नहीं ये काट दियो नी सूट की तो जिया उड़ा दी रे थोड़ा काट लिया कर आपके फांस से आवा 2 मिनट इतने बारी मंजुन बोली डर गया बेचारा बाहर वो देखता जावे क्या आग लगी, यू फोन डाल ले अपने उसमें पिछवाड़े में मतलब
अगवाड़े में देख पाल लाए बैठ गई चश्मे की ताने मेरे मेरे चश्मे की ता बेरानी बेरानी आगे देख ले मैं आगे कौन ही भाई क्यों 3000 के हैं चश्मे की ता तो गाइस इसके चश्मे गुम हो गए दो हैं है। एक बार लिए थे तो ना हाथ में चश्मे क्यों ले आई थी तू चश्मे क्यों ले आई थी उनका क्या काम था हाँ। चश्मे टोक आया यू टांग रखे पूरे टांग रखे थे मना साड़ी तल्ली और गिरे थे बार बार जाते पकड़े 3000 के हैं यार आ देख ले तेरी बुआ की छोरी ना देख ले आ देख ले तू भी देख ले देख चश्मे भी लाए गुरु मैं देख लो टांगी है हाथ में ले ले सो गाइस फिर मैं बना रही थी वर्मा चैलेंज से ना देखो लिखा है उपमा पुलाव वड़ा खीर तो एक लड़की कह रही थी कि ये तो ऐसे होता है वैसे होता है तो इस पे लिखा है इन इससे हम वर्मा चैलेंज से हम वड़ा उपमा खीर पुलाव कुछ भी बना सकते हैं तो फिर मैंने पुलाव बनाया था ठीक है जैसे चावल से वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी बनती है तो हम बिरयानी को ये नहीं बोल सकते कि वो नॉन वेज है क्योंकि वो तो वेज भी बनती है सिमिलरली ये भी होते हैं तो वर्मा चिली से हम कुछ भी बना सकते हैं जैसे हम बेसन से बेसन के पकोड़े बना लेते हैं चीला बना लेते हैं तो ये चीज़ थी सो गाइस यहाँ पे मैंने कैप्सिकम ऑनियन एंड टमाटो को छोटा छोटा कट कर लिया था एंड ये थोड़े से मैंने मसाले लिए थे ग्रीन चिली पेस्ट इसमें धनिया भी था हरा धनिया फिर इसको मैंने थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट किया तो अच्छी खुशबू आने लगी थी रेड रेड हो गए थे ये तो तब तक रोस्ट किया इसको काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि लो फ्लेम पे कर रही थी ना तो हाई फ्लेम पे तो ये जल जाते तो छोटी छोटी भूख के लिए मैंने यही बनाया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था यार सच में अनबिलीवेबल काफ़ी टेस्टी बना था मज़ा आ गया था खा के एकदम लास्ट में मैंने इसमें कर दिए ऐड टमाटर अब ये बनने के बाद देखेंगे कैसा लगेगा सो गाइस इसको मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था 10 से 15 मिनट लगे बनने में तो इतने मैंने पूजा पाठ कर ली क्योंकि फिर अगर उसके पास ही बैठी रहती तो पूजा का टाइम निकल जाता सो गाइस पुलाव ऑलमोस्ट बन के तैयार है थोड़ी सी कसर रहती है बस ये पानी सूख जाएगा फिर ये बन के तैयार है वेज पुलाव लाट मार दे तो क्या कहना हाँ यू तो फिसल गया होता तने मेकअप नहीं तारा तारण की सोच रही थी सो गाइस यार टेस्ट करके बताओ है कि सामने आए अच्छा पर मैं ये बना लूं दस्तक दिया मैं तो मुंह में घुल गई अगर बोलन खतरे तो है पुलाव मेल्ट हो गया तो यार लेके आई है पुलाव तो चलो पहले मैं अपना मेकअप उतार लूं फिर खाऊंगी थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाऊं खा लेनु है क्या दिक्कत है खा को का धोंद रही है ना आंख में तो पानी आने लग रहा हाय रे मायो छोरा मन गया मां बढ़िया
बढ़िया रहेंगे। टेस्टी है नूपुर। खुद तो चैट जगी वानू है करेगी ना। सो गाइज वहाँ मेरे को बोर लग रहा था खाने में, तो फिर मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि यहाँ पे बिग बॉस देख रही थी मैं, तो वहाँ पे मुझे वाइब ही नहीं आती, मुझे यही वाइब आती है खाने में, तो बिग बॉस देख के इसका डांस देख लो। खा ली वहाँ पुलाव मन तो टेस्टी लग गया। ये दो ली आंदी, ये ऑल आउट है मारे कमरे खातर भी बंद कराएगा तो बाहर का। भाई शाम का टाइम था तो सारे काम निपटा के हाथ मुंह धो के मैं फिर बैठ गई महाशिव पुराण पढ़ने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है पढ़ के, मतलब मुझे जो मैं फील करती हूँ फ्यूचर को लेके तो वो सब ठीक हो जाता है। सो गाइज ये है मेरा डिनर और मैं कुछ खाने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे को फिर से फीवर हो गया तो मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि फिर मुझे दवाइयाँ लेनी है फीवर की। सो गाइज अभी बज रही है 9:42 एंड बिग बॉस देखते देखते दूध पी के फिर सो जाऊँगी अभी मैं 10:30 तक। क्या कहने आई थी तुम? I am getting depressed. खुश कौन है? सो गाइस ये डिप्रेस्ड हो रही थी इसलिए मेरे पास आ गई। कौन है खुश? आउच। कौन है खुश? आउच। आउ। कौन है खुश? Who is happy? ढूंढो उसे, पकड़ो उसे, कूटो उसे, मारो उसे। कौन है खुश? ढूंढो उसे, कौन है खुश? मारो उसे, कौन है खुश? पकड़ो और पीटो। डुशु डुशु कुछ कुछ पागल हो गई मैं। मैं तो पागल हो गई, मुझे तो दौरे पड़ गए, मैं तो पागल हो गई। ये स्टेप डांस का ये कौन सा स्टेप है? ये ऐसे क्यों करते हैं? ये ऐसे क्यों करते हैं? अभी एक लड़के ने वीडियो बनाई, इसमें गाली दे रहा है, तो एक लड़की का कमेंट आया कि तुम्हारी वीडियो तुम्हारे घर वाले नहीं देखते क्या? तो इस लड़के का क्या जबरदस्त रिप्लाई आया, वो बोला जब लड़के नंगी नंगी हिलाती है दिखाती है तो क्या मैं गाली नहीं दे सकता? जब उनके घर वाले नहीं देख रहे तो हमारे घर वाले भी देख के नहीं देख रहे। ए हाला हो गया तेरा डिप्रेशन कम। कौन है वो सुंदर हसीना? है कौन खुश है? शादी करके खुश है या बिना शादी करके खुश है? मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग अब बिना शादी किए पैसा कमा रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम ब्रह्म जानी बन रहे हैं। और मैं तो लगा पैसे आमर है तो सेक्स करके भी खुशी नहीं होगी। यस मुझे तो ऐसा फील आता है कई बार, ये रियलिटी है। ये नहीं जो तो सजदी रहती है और की देवी करके नजर मिला
अगर इसे ऐसे डांस मत करने लगी इंस्टाग्राम पर भाग जाएंगे सारी ऑडियंस। पता मैं इतनी खुश क्यों, अभी मैंने स्टोरी डाली थी अपने बर्थडे की, तो एक लड़की ने मुझे 10 रुपये दिए एंड आई फील सो मच हैप्पी कि किसी एक पर्सन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी, उसने मेरी बात सुनी, उसने मेरी वीडियो देखी, उसने मुझे 10 रुपये दिए। आई एम सो ब्लेस्ड, वरना आज के टाइम में कोई चवन्नी भी नहीं देता। तो मैंने कमाया है यार, कमाया है मैंने। मैंने कभी ट्रेडिंग या प्रमोशंस नहीं किए, मेरे को लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। इससे अच्छा तो कह के मांग लूँ मैं, अगर किसी का पैसा ऐसे उड़ाना हो तो। ये कौन सा डांस है, ये कौन सा डांस है? साफ है, सुझाव मार के नहीं हड्डी दिखगी, सारी सारी हड्डी दिखगी, खाया का नहीं करा करते मेंटल। खाया का नहीं करा करते, पर स्कूल में करा करते तू, सारे बाल क्या करते भाई, इधर से जा कितना ओम खींचेगा। तो ओके 1 2 3 मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। मम्मी उठ गई तेरी हरकत देख, मम्मी क्यों गए, मम्मी बजरंगबली की फैन हूँ, मैं शिवजी भगवान की फैन हूँ, और मैं अक्षय कुमार की भी फैन हूँ। सो गाइस मुझे जाना पड़ेगा, वरना पता नहीं है क्या करके मानेगी यहाँ पे। की तरफ माया करूंगी, मेरी गलती तो भूल जाए, 4-5 बजे या 6 बजे बाथरूम कूदूंगा तो पाए ले लूं, पाया कर लूं, चल तो नूकर दे पाऊंगी, चाहे नूकर दे पाऊंगी, चल नू पाऊंगी, हड्डी सी बनी, कुछ है को नहीं मेरे में। व्लॉग में देखिए तेरी रीढ़ की 8-9 हड्डी दिखगी, काउंट काउंट कर सके।